G20 में गरीबों का भोजन बड़े नेताओं की प्लेट में पाया गया। चर्चा का विषय बना ऋषियन। ऐसा क्या है इसमें जो विदेशी मेहमानों की प्लेट में इसको सुसज्जित पाया गया? आखिर क्या है ऋषियन और कैसे ये सेहत के लिए फायदेमंद है? आइए जानते हैं इस अन्न के बारे में जिसने G20 2023 सम्मेलन से पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। दोस्तों, G20 सम्मेलन 2023 से लेकर अब तक मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज की बहुत चर्चा की जा रही है। जिस अनाज को कभी गरीबों का भोजन कहा जाता था, आज वो विदेशी मेहमानों और बड़े बड़े नेताओं की थालियों की शोभा बढ़ाता हुआ पाया गया। क्या नेता गरीब हो गए जो गरीबों का भोजन खा रहे हैं? आइए देखते हैं क्या कहती है रिसर्चेस इन मिलेट्स के बारे में और जानते हैं दुनिया भर के और भारत के बहुत अच्छे मिलेट्स के बारे में। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में। जी हाँ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ईयर 2023, ताकि मिलेट्स के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाई जा सके और इसके पोषण संबंधी गुणों के बारे में सबको पता चले और सब इसका लाभ उठा सकें, इसको खाकर सेहतमंद रह सकें और बीमारियों को सिर्फ मिलेट्स की मदद से भी ठीक कर सकें। वैसे तो दुनिया भर में मिलेट्स की काफ़ी सारी वेराइटीज हैं, परंतु इस ईयर के लिए जिन मिलेट्स को शामिल किया गया है उनकी संख्या 8 है। बाजरा, रागी, कुटकी, समवा, ज्वार, कंगनी, छेना एंड कोदो, और पूरी दुनिया भर में 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया है। कुछ सवाल जो मिलेट्स के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं। 1, आपको क्यों मिलेट्स को उगाना चाहिए? जलवायु परिवर्तन की बहुत आशंका है। वर्ष 2023 का मौसम तो सबने देखा ही है कि कितना ज़्यादा मौसम परिवर्तन हुआ है, तो आगे जाकर अगर कभी बारिश टाइम पे नहीं होती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो ऐसे में मोटे अनाज की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बाकी फसलों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, परंतु मोटा अनाज एक ऐसा अनाज है जिसको कम जुताई वाले या बिना जुताई वाले खेत में भी बीजा जा सकता है और काफ़ी कम पानी के साथ आसानी से बीजा जा सकता है। परंतु आज के समय में ये मोटा अनाज दुनिया के नक्शे से लगभग गायब है। याद रखें, आने वाले समय में अगर पानी की कमी पड़ती है तो सिर्फ यही विकल्प हमारे पास है खेती करने के लिए। दूसरा सवाल, क्यों खाना चाहिए? हम जो गेहूं और चावल खाते हैं उसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है, परंतु वहीं अगर हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो इसमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है और फाइबर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को अंदर से साफ़ कर सकती है। जैसे आपको अपने घर को साफ़ करने के लिए झाड़ू की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी अंदर से साफ़ करने के लिए एक झाड़ू की आवश्यकता होती है। तो ये मोटा अनाज ही सबसे बेस्ट झाड़ू होता है अपने शरीर को अंदर से क्लीन करने के लिए, और सफाई के साथ साथ इसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपकी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और आपको मल्टीविटामिन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या आप जानते हैं इन अनाजों के प्रमाण सिंधु सभ्यता के दौरान से पाए गए हैं? जब से भारत का इतिहास शुरू हुआ तभी से ये अनाज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, और गेहूं, चावल इत्यादि के आने से पहले हम भारतीय लोग इन्हीं मोटे अनाजों इन्हीं मिलेट्स का सेवन करते थे। परंतु मिलेट्स को पकाने की जो प्रोसेस है वो लोगों को थोड़ा लंबी लगती है और इनसे जंक फूड भी ज़्यादा वैरायटी के नहीं बनाए जा सकते हैं, और बनाए भी जा सकते हैं तो उनको बनाने में लंबा टाइम लगता है। इसीलिए धीरे धीरे इनकी उपयोगिता कम हो गई और इनको यूज़ में लाना कम कर दिया गया, और आज की डेट में हम इनका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, जबकि ये मिलेट्स हमारे यहाँ भोजन के लिए उगाए गए सबसे पहले पौधों में से एक थे और आज भी लगभग 131 देशों में इनकी खेती की जाती है, और ये एशिया एंड अफ्रीका के लगभग 60 करोड़ लोगों का पारंपरिक भोजन है। कम से कम 41% मिलेट्स का उत्पादन अकेला भारत करता है, और इतनी सारी मिलेट्स की वैरायटी में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, जो कि वैश्विक उत्पादन का 20-40% और एशिया के उत्पादन का कम से कम 80% हिस्सा है। परंतु इतना उत्पादन करने के बावजूद भी क्या हम लोग इसको अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इसका जवाब नहीं है। हम इसका इतना फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग मिलेट्स के बारे में जानते नहीं हैं। परंतु अब जब आप इसके फायदे के बारे में जान लेंगे तो आप भी ज़रूर इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं अलग अलग तरह के मिलेट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मिलेट्स में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है और यही फाइबर हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को साफ करता है, और इसी फाइबर कंटेंट की परसेंटेज के बेसिस पे डॉक्टर खादरवली, जो कि इंडियन मिलेट मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने
इन ग्रेन्स को तीन तरह से डिवाइड किया है। तो क्या है इन मिलेट्स की, इन ग्रेन्स की तीन कैटेगरीज? 1 पॉजिटिव ग्रेन, 2 नेगेटिव ग्रेन, 3 न्यूट्रल ग्रेन। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव ग्रेन्स में कौन कौन से अनाज शामिल हैं और क्यों इनको पॉजिटिव ग्रेन्स कहा जाता है। पॉजिटिव ग्रेन्स यानी कि वो अनाज जिसमें 5 से 13% तक फाइबर पाया जाता है, और इन पॉजिटिव ग्रेन्स में शामिल है 5 प्रकार के अनाज, और वो सब मोटे अनाज हैं यानी कि मिलेट्स हैं। तो इसमें शामिल है कोडो मिलेट, जिसको हम कोदरा या कोदा के नाम से भी जानते हैं, फॉक्सटेल मिलेट, जिसको हम कंगनी के नाम से जानते हैं, बर्नयार्ड मिलेट, जिसको हम झंगोरा के नाम से भी जानते हैं, या कहीं कहीं पे इसको सवा के नाम से भी जाना जाता है, ब्राउन टॉप मिलेट यानी कि हरी कंगनी या छोटी कंगनी, लिटल मिलेट और कुटकी। तो ये हैं 5 पॉजिटिव ग्रेन्स जिनमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, कम से कम 5 से 13% फाइबर पाया जाता है। तो जब भी आप मिलेट्स की शुरुआत करें, मिलेट्स खाने की शुरुआत करें, आप इन पॉजिटिव ग्रेन्स को सबसे पहले अपनी डाइट में शामिल करें। तो डिटेल में देखते हैं इन 5 अनाजों के बारे में। तो पॉजिटिव ग्रेन्स में पहला अनाज है ऋषि अन्न। जी हाँ, ऋषि अन्न, जिसको आप कोडो मिलेट, कोदरा या कोदो के नाम से जानते हैं। कोदो मिलेट जो होता है प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, और इसमें फैट की परसेंटेज ना के बराबर होती है, जिसके कारण इसे पचाना बहुत ही आसान होता है। इसमें लेसिथिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए कोदो को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इसमें B3, B6, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। कम उपजाऊ भूमि और कम पानी में उगने वाला ये कोदो बहुत ही ज़्यादा पोषण देने वाला होता है, इसीलिए इसको ऋषि अन्न या गरीबों का चावल या गरीबों का भोजन भी कहा जाता है। मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर खादर वली बताते हैं कि कोदो में, कोदरा में इतने सारे औषधीय गुण होते हैं कि अगर आप इसका नियंत्रित रूप से सेवन करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बिना किसी दवाई के ठीक हो सकते हैं। तो देखते हैं किन बीमारियों में कोदो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। 1, क्योंकि ये शुगर फ्री है, तो शुगर वाले पेशेंट, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 वाले पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, गेहूं की जगह वो कोदरा खा सकते हैं। 2, महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स और मेनोपॉज यानी कि मासिक धर्म रुक जाने के बाद में जो प्रॉब्लम्स आती है उनमें भी कोदरा बहुत ज़्यादा राहत दिलाता है, और साथ ही साथ ही आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है। पर हमेशा एक बात का ख्याल जरूर रखें, माना कि मिलेट्स नेचुरल हैं और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है, परंतु जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो बहुत ज़्यादा अगर आप कुछ भी खाएंगे तो आपको नुकसान देगा। बहुत ज़्यादा अगर आप कोदरा खाएंगे तो ये आप में कब्ज कर सकता है, इसीलिए हमेशा एक नियमित मात्रा में ही सेवन करें और भूख लगने से थोड़ा कम ही खाएं। तो ये तो हो गया कोडो मिलेट, कोदरा यानी कि ऋषि अन्न के बारे में। अब देखते हैं 2, कैंसर टॉनिक, फॉक्सटेल मिलेट, जिसको कांगनी के नाम से अक्सर जाना जाता है। कांगनी में मौजूद है प्रोटीन और आयरन, बाकी मिनरल्स भी इसमें मौजूद हैं, पर सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स है प्रोटीन और आयरन का, इसीलिए जिनमें खून की कमी है, एनीमिया से जो पीड़ित हैं लोग, महिलाएं, पुरुष जो भी हों, वो अगर इसका नियंत्रित सेवन करेंगे तो उनकी खून की कमी इसी से दूर हो जाएगी। 2, इसमें मौजूद होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपके स्ट्रेस की लेवल को मैनेज करने में, कम करने में मदद करते हैं और काफ़ी सारे कैंसरस मटेरियल से आपको बचाते हैं। तो यदि इसका सेवन किया जाता है तो कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से आप सुरक्षित रह सकते हैं। और ये फॉक्सटेल मिलेट गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। इसमें प्लांट लिग्निन पाया जाता है, जो कि कैंसर से बचाव में बहुत ज़्यादा मददगारी होता है। ये ठंडी तासीर वाला होता है, तो इसीलिए इसका सेवन गर्मियों में किया जा सकता है, या जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती है वो इसका सेवन किसी भी टाइम कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि थायराइड रोगियों को इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी सी मात्रा में गोइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जो कि थायराइड हार्मोन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, परंतु पर्सनली मैंने इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया है, किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। 3 है बर्नयार्ड मिलेट, जिसको आप सनवा या झंगोरा के नाम से भी जानते होंगे। इसमें बहुत सारी प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि सारी की सारी बी विटामिन पाई जाती हैं। ग्लूटेन फ्री है और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी काफ़ी कम पाई जाती है, इसीलिए जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी रहती है, जिन बच्चों को खासकर ये प्रॉब्लम रहती है, वो गेहूँ के बजाय बर्नयार्ड मिलेट का सेवन कर सकते हैं।
अक्सर व्रत के दौरान बर्नयार्ड मिलेट का सेवन किया जाता है क्योंकि ये काफी लंबे टाइम तक जो है एनर्जी को बनाए रखता है। किस किस बीमारी वाले लोगों को जरूर इसका सेवन करना चाहिए, जिसको ग्लूटेन एलर्जी है, हार्ट की प्रॉब्लम है या शुगर पेशेंट है। 4. ब्राउन टॉप मिलेट यानी कि छोटी कंगनी या हरी कंगनी। ब्राउन टॉप मिलेट आपके हार्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। ये हमारी आर्टरीज में खून के थक्के नहीं बनने देता, क्लॉट्स नहीं जमने देता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसमें पाए जाने वाले फाइबर और प्रोटीन के कारण ये हमारी बॉडी को अच्छे से क्लीन कर देता है और कहीं पे भी क्लॉट्स जमने नहीं देता है। इसके गुण फॉक्सटेल मिलेट यानी कि कांगनी की तरह मिलते हैं, इसीलिए इसको छोटी कांगनी या हरी कांगनी कहा जाता है। आपकी आर्टरीज को क्लीन करने के साथ साथ ब्राउन टॉप मिलेट आपके इंटेस्टाइन्स के लिए यानी कि आंतों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों के पेट में समस्या रहती है, आंतें साफ नहीं होती है, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें भी पाए जाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, आयरन, प्रोटीन, B1, B2, B3 एंड बहुत सारी विटामिंस। तो आप चाहें तो इसको भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। 5. लिटिल मिलेट कुटकी या सामी जिसको हम कहते हैं। इसमें भी बहुत सारी विटामिंस जैसे कि B1, B2, B3 पाई जाती हैं, साथ ही साथ कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स और फाइबर पाया जाता है। इंडियन मिलेट मैन डॉक्टर खद्रवली के अनुसार लिटिल मिलेट बहुत अच्छा है महिलाओं और पुरुषों के लिए, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। जिन फीमेल्स में PCOD सिस्ट्स की दिक्कत या बांझपन की दिक्कत आ रही है, उन लोगों के लिए इसको बहुत अच्छा माना गया है। और पुरुषों में भी जिनका स्पर्म काउंट अच्छा नहीं रहता है या इनफर्टिलिटी हो रही है किसी कारण से, उन लोगों में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो कुल मिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितनी भी तकलीफें होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, उनके लिए लिटिल मिलेट बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ मोटापे, दिल की बीमारियां और जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके लिम्फ नोड सिस्टम को साफ करने की क्षमता रखता है और साथ ही साथ ब्लड, थ्रोट और थायराइड कैंसर के नियंत्रण में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो अभी हमने पॉजिटिव ग्रेन्स के बारे में जाना जिनमें 5 मिलेट्स शामिल हैं। अब देखते हैं नेगेटिव ग्रेन्स क्या होते हैं। नेगेटिव ग्रेन्स यानी कि वो वाला अनाज जिसमें फाइबर की परसेंटेज 2% से भी कम है। हालांकि ये पकाने में बहुत आसान होते हैं और इनसे बहुत सारे रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, परंतु ये हमारी बॉडी को उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं देते हैं और काफ़ी सारी बीमारियों का कारण होते हैं। इसमें शामिल है चावल और व्हीट यानी कि गेहूँ। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या घर में भी हम खाना बनाते हैं, वो आजकल नेगेटिव ग्रेन्स का ही बनता है। हमारे खाने में ज़्यादातर चावल और गेहूँ ही शामिल होता है और जंक फूड भी इन्हीं चीज़ों से बना होता है। गेहूँ और चावल के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वो सब बताऊंगी अलग वीडियो में। अभी देखते हैं न्यूट्रल ग्रेन्स के बारे में। न्यूट्रल ग्रेन्स यानी कि वो वाले अनाज जो ना तो कोई बीमारी बनाते हैं पर ना ही किसी बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं, परंतु अगर इनका सेवन पहले से किया जाए तो ये बीमारियां होने से रोक देते हैं। आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये वो अनाज हैं जो प्रिवेंशन में मदद करते हैं और इनमें जो फाइबर की परसेंटेज रहती है वो होती है 3-6% तक। न्यूट्रल ग्रेन्स में शामिल है 4 मिलेट्स, सॉर्गम यानी कि ज्वार, पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, फिंगर मिलेट यानी कि रागी, प्रोसो मिलेट यानी कि बाड़ी, ज्वार। तो सबसे पहले देखते हैं ज्वार में क्या क्या गुण होते हैं। ज्वार में पाया जाता है भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, फास्फोरस और ये भी होता है ग्लूटेन फ्री। भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम के कारण ये जोड़ों के गठिया को रोकता है। आयरन होने के कारण ये एनीमिया यानी कि खून की कमी होने से आपका बचाव करता है। ज्वार की तासीर ठंडी होती है तो माना जाता है कि पीलिया के रोग में इसके तने का रस पीना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। 2. पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा। बाजरा में भी भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, इसीलिए ये पेट के लिए बहुत अच्छा है और पेट को अच्छे से साफ कर देता है। और साथ ही साथ ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और कैंसर और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों को होने से रोकता है। बाजरा की तासीर गर्म होती है तो आप सर्दियों में इसका सेवन कर सकते हैं और सर्दियां आ भी रही हैं तो आप जरूर इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन, B3, फॉलिक एसिड और ग्लूटेन इसमें नहीं पाया जाता है। शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन लोगों के लिए बाजरा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और प्रेग्नेंट फीमेल्स भी इसको आसानी से ले सकती हैं। 3. फिंगर मिलेट यानी कि रागी। दोस्तों तीसरा न्यूट्रल ग्रेन है रागी और रागी जो है कैल्शियम से बहुत ज़्यादा भरपूर है। कैल्शियम से भरपूर रागी
आपके शरीर को पूरे दिन में जितना भी कैल्शियम चाहिए उस जरूरत को बहुत अच्छे से पूरा कर देती है। आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। रागी आपकी लगभग सारी आवश्यकता पूरी कर देती है। ये भी डाइजेशन इम्प्रूव करती है क्योंकि फाइबर कंटेंट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा होता है और शुगर वाले रोगियों के लिए भी बहुत अच्छी है। ग्लूटेन फ्री है तो जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। 4. प्रोसो मिलेट, जिसको हम कॉमन मिलेट या बारी के नाम से कॉमनली जानते हैं। इसमें पाई जाती है बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक और बी कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, स्टार्च, एंटीऑक्सीडेंट और बीटा ग्लूकोन जैसे फेनोलिक कंपाउंड भी इसमें पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले लेसिथिन के कारण ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है और ये आपको बचाता है पेलेग्रा से, जो कि एक स्किन की प्रॉब्लम है जिसमें स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्रैक्स पड़ने लगते हैं और B3 की कमी से होता है। तो कॉमन मिलेट या प्रोसो मिलेट से आपकी B3 की कमी पूरी हो जाती है और आप पेलेग्रा से बच जाते हैं। तो इसी के साथ न्यूट्रल ग्रेन्स भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। दोस्तों, मिलेट्स और मोटा अनाज पोषण से बहुत ज़्यादा भरपूर होता है, तो गेहूं और चावल के साथ धीरे धीरे इनको भी अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाइए। बस आपको ध्यान रखना है एक ही बात का कि वैरायटी खानी है आपको, मोटा अनाज खाना है, शामिल करना है अपनी डाइट में, पर बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं खाना है, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, मिलेट्स हो, कुछ भी हो, आपको एक संतुलित मात्रा में, नियंत्रित मात्रा में ही खाना है। और मिलेट्स का पूरा फायदा लेने के लिए कभी भी 2-3 तरह के मिलेट्स को मिलाकर उनको ना खाएं, एक टाइम पर सिर्फ एक ही तरह का मिलेट का सेवन करें। अगर आप 3-6 महीने तक मिलेट्स वाली डाइट लेते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप बिना किसी दवाई के ठीक हो सकती हैं, जैसे कि शुगर यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, और इवन अगर आप किसी लाइलाज बीमारी या कैंसर जैसी बीमारी से भी पीड़ित हैं तो उसको रिवर्स करने में भी ये मिलेट्स बहुत ज़्यादा लाभकारी है, खासकर पॉजिटिव ग्रेन्स जिनको कहा गया है। तो अगर आप दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं तो खाने को ही अपनी दवाई बनाइए, ऐसा खाना खाइए जिसमें औषधीय गुण मौजूद है, ना कि ऐसा खाना जो आगे जाकर आपको बीमारी देने वाला है। अभी के लिए तो टेस्टी लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, पर आगे जाकर कुछ सालों में वो कुछ ना कुछ बीमारी देने वाला है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी, आपको फ़ायदा देगी। और अगर आपने कभी मिलेट्स ट्राई किए हैं, उनके आपको क्या क्या फ़ायदे हुए या वो आपको ठीक नहीं बैठे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि मिलेट्स खाने किस तरह से हैं, उनके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं या क्या कुछ नुकसान भी हैं उनके। और अगर आपने कुछ नुकसान पाए हैं मिलेट्स के, तो इसका मतलब होगा या तो आपको मिलेट्स खाने का प्रोसेस, उनको पकाने का प्रोसेस, उनको किस टाइम लेना है, ये चीज़ें पता नहीं होंगी। मैं कोशिश करूँगी आपको वो सब बताने की, ताकि हर कोई इस इतने अच्छे अनाज का भरपूर लाभ उठा पाए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मिलेट्स को किस तरह से खाया जाना चाहिए, किस टाइम खाया जाना चाहिए, कितना खाया जाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेट्स को किस तरह से खाया जाता है वो सारा कुछ आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।